हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल अशोक श्री पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सोमनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में सोमनाथ तीन नदियों का संगम था, कपिला, हिरण और सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि एक श्राप के कारण अपनी चमक खो चुके चंद्रदेव ने यहाँ सरस्वती नदी में स्नान करके अपना रूप वापस पा लिया था। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, इसीलिए बहुत से लोग इसे आदि ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नवंबर 1947 में इस विस्तार का दौरा किया था और उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करने का फैसला किया था। यह सोमनाथ मंदिर अपने मूल स्थल पर 7 बार बन चुका है। सोमनाथ मंदिर ऐसी जगह बना है जहां पर्याप्त रोशनी है। समंदर से आने वाली हवाओं के कारण यह हमेशा ठंडा रहता है। इस मंदिर का मुख्य शिखर 155 फीट ऊंचा है। शिखर पर रखे कलश का वजन करीब 10 टन है। नमः शिवाय।
यहाँ की आरती में शामिल होना सौभाग्य की बात है। आधे घंटे की यह आरती किसी भी शिव भक्त को भावुक कर देती है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की गुहा में एक श्याम तक रत्न छिपा है। इस रत्न का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी छूता है वह सोना बन जाता है। माना जाता है कि इस रत्न में रेडियो एक्टिव गुणधर्म होते हैं। इस रत्न के चुंबकीय क्षेत्र के कारण शिवलिंग जमीन से ऊंचा रहता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।